अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और कुछ दिन मसरूफियत की वजह से इस चैनल पर भी और दूसरे चैनल हॉरर नावल ऑफिशियल पे स्टोरी ठीक से शेयर नहीं हो पा रही, और इंशाल्लाह कल हॉरर नावल ऑफिशियल पे भी स्टोरी शेयर होगी। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मनाल फातिमा ने, जो कि कराची में रहती हैं। मनाल कहती हैं, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मनाल कहती हैं, इंतहाई दुख और दर्द से भरी खौफनाक ये कहानी है। मेरी एक फ्रेंड जिसके ऊपर जाने अनजाने में किसी ने काला जादू करवाया था या जो भी हुआ था, कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ क्लास फेलोज के मुताबिक उसके ऊपर कॉलेज से ये जिन्नात, ये असरात चिपके थे और फिर उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसकी ज़िंदगी में नए से नई मुसीबतें आईं और उसकी ज़िंदगी का आखिर ये हुआ कि वो इस फ़ानी दुनिया से चली गई। मेरी फ्रेंड जिसका नाम जवेरिया था, इंतहाई अच्छी लड़की थी। मैं, जवेरिया और नादिया, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थीं और एक दूसरे के साथ ही कॉलेज में रहती थी। एक दिन हम लोगों का जो लेक्चर था वो ओवर हुआ और हम तीनों बाहर बैठी हुई थी। अचानक से हम लोगों की जो फ्रेंड जवेरिया थी, मनाल कहती हैं कि उसकी जो आवाज़ थी वो बदल गई और उसने मेरे मुंह पर भी और मेरी फ्रेंड नादिया के मुंह पर भी एक थप्पड़ रसीद किया और ये कहा कि दफ़ा हो जाओ इधर से। मना किया था कि आइंदा मेरे करीब मत आना। फिर मेरे करीब क्यों आई हो, चली जाओ इधर से। ये बात कहकर हमारी फ्रेंड जवेरिया उठी और उस जानिब जाने लगी जहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा ने मना किया हुआ था कि इधर नहीं जाना, क्योंकि इधर कहा जाता है कि कॉलेज के इस हिस्से में जन्नात का बसेरा है और मुख्तलिफ आवाज़ें भी सुनी गई हैं। हम दोनों बहुत डर गई और हम दोनों ने उसकी बात का माइंड तो नहीं किया, लेकिन हम लोग उठकर साइड पर चली गई। कुछ देर जब हमने देखा कि अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया और हम लोगों की फ्रेंड हमें मिल नहीं रही, तो मैं और नादिया हिम्मत करके उसी तरफ के जहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा ने मना किया हुआ था और हमारी फ्रेंड जवेरिया उतर गई थी। हमने क्या सुना कि हमारी फ्रेंड जवेरिया किसी को ये कह रही है कि क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे क्यों मेरे अपनों से दूर कर रही हो। पहले तुमने मुझे मेरे बहन भाइयों से दूर किया, अब तुमने मुझे मेरी दोस्तों से दूर कर दिया। आगे से जो जवाब आ रहा था वो हम सुन नहीं पा रहे थे। हम लोग अपनी फ्रेंड के सामने गए और हिम्मत की और ये कहा कि जवेरिया तुम किससे बातें कर रही हो। वो काफ़ी तकलीफ़ में थी, वो हमें देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और हमें सॉरी करने लगी और ये कहा कि मैं तुम दोनों से सॉरी करना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। और हमने कहा कि तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है इंसान से, तुम इस चीज़ को भूल जाओ। हम बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए और जैसे लेक्चर के लिए वो अंदर क्लास में जाने लगी तो उसकी तबीयत फिर ख़राब होने लगी और उसने कहा कि मुश्किल है कि आज मैं कोई लेक्चर अटेंड कर सकूं। उसने जाकर ऑफिस से कॉल की अपने घर और उसका जो भाई सनी था, उसका एक भाई का नेम सनी था, वो उसको लेने के लिए आया और वो चली गई। अब ये तो मामला हो चुका था, अब उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। उसके घर वालों को भी पता नहीं इस चीज़ के मुतालिक, पता था ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसका कॉलेज आना बंद हो गया और वो एक घर की हद तक रह गई। कहा जाता था कि उसके ऊपर जो चुड़ैलों की सरदार होती है, ये बात सुनने में आई थी जब वो किसी आमिल के पास लेकर गए थे, उसका बसेरा इसके ऊपर हो चुका है और वो इसको किसी अपने से मिलने भी नहीं देती। ये बात वो ख़ुद बताती थी जवेरिया कि मुझे वो मेरे बहन भाइयों से भी दूर कर देती थी। इवन कि जब मैं उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाती थी, वापस घर आती थी, अपने रूम में जाती थी, तो मेरे रूम में चीखों पुकार की आवाज़ें मेरे घर वाले सुनते थे। वो मखलूक बाकायदा तौर पर मुझे मारती थी। हर आमिल इस चीज़ से हार चुका था कि वो उस मखलूक को मेरी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे थे। वो एक औरत नुमा चीज़ थी जो कि मेरे करीब आती थी और मुझे ये कहती थी कि याद रखना, अगर अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के करीब गई तो तुम्हें जान से मार देंगे, इवन कि तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। वो ये चीज़ सबको बताती थी। हम लोग उसके घर गए, उसने हमसे भी सारी बातें शेयर की। एक दिन सुनने में आया कि जो जवेरिया है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो कैसे ठीक हुई है, अब ये एक अलग से दास्तान थी। जवेरिया ने हमें ये बताया कि जब वो
जहाँ पर प्रिंसिपल ने जाने से मना किया था उस जगह पर जाकर बैठी थी, तो उस दिन झाड़ियों के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़का बाहर निकला और वो लड़का भी एक जिन ज़्यादा था। वो एक मुसलमान जिन था और वो जवेरिया से इंतहाई मोहब्बत करता था। उसने जवेरिया को बताया कि जब से तुम इस कॉलेज में आई हो मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ और तब से ही तुम्हारे इश्क में पागल हूँ। मैं ये चाहता था कि तुम खुद चलकर इस जगह तक आओ, तभी मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, और अल्लाह पाक ने मेरी वो बात सुन ली। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो। अब ये सारी कहानी जवेरिया अपनी फ्रेंड नादिया और मनाल को बता रही थी कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, एक खून खवार चुड़ैल तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी है, लेकिन मत भूलो कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। पहले तो वो जवेरिया कहती कि मैं डर गई, लेकिन वो था ही इतना हसीन, उसका हुसन देख कर मैं पिघल गई और इस चीज़ को भी मैंने इग्नोर कर दिया कि वो एक जिन है। खैर, वो मेरी ज़िंदगी में आया और अब सिलसिले शुरू हो चुके थे। जब भी जवेरिया अपने छत पे बैठकर मौसम को एंजॉय करती थी, कोई भी काम करती थी, तो वो खूबसूरत लड़का उसके सामने आ जाता था और उससे बातें किया करता था। घंटों घंटों उनकी छत पे लगे हुए झूले को झूलाता रहता था, जिस पे जवेरिया बैठी झूले लेती रहती थी। उसके घर वालों ने जब ये देखा तो उनको कुछ ठीक नहीं लगा। वो इसलिए एक सेंस में वो खुश भी थे और एक सेंस में वो ना खुश भी थे कि वो जो मखलूक, वो चुड़ैल हमारी बेटी के ऊपर हावी थी, हमारे से मिलने नहीं देती थी, इसको कमरे में कैद कर देती थी, वो मखलूक तो मेरी बेटी से दूर चली गई है, लेकिन अब ये नई क्या मखलूक मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। उसकी वालदा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उनको ये शक पड़ गया कि अब शायद ये कोई और चक्कर है, लेकिन जवेरिया ये चीज़ नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी तो मुसीबत से मुसीबत तर होती जा रही थी। वो जिन ज़्यादा था और वो मुसलमान जिन था, वो जवेरिया से इंतहाई मोहब्बत करता था। जवेरिया कॉलेज को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी और जब भी हमारे घर हमें मिलने के लिए आया करती थी, तो जब भी हम उसको कहते थे कि फ़लां चीज़ हमें ला कर दो, तो एक सेकंड में वो हाजिर कर देती थी। हमने एक दफ़ा अपनी दोस्त से कहा कि वो आशिक जिन जो तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना है, हमें उससे मुलाकात करवाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। जवेरिया बताती थी कि वो इंतहाई खूबसूरत है, हम भी उसे देखना चाहते थे। जवेरिया ने कहा कि वो तुम लोगों के सामने नहीं आएगा, वो बहुत शर्माता है, लेकिन हाँ वो तुम लोगों की तारीफ़ करता है। जब मैंने तुम दोनों के मुंह पर थप्पड़ मारे थे तो उस दिन भी वो ये सारा माजरा देख रहा था और उसने ये कहा कि तुम्हारी दोस्तें बहुत अच्छी हैं जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ये हकीकत में तुमसे मोहब्बत करती हैं। अब कुछ अर्सा तो वो जवेरिया ठीक रही, वो जिन ज़्यादा उसके साथ रहा, उसके घर वालों ने भी उसको जवेरिया से दूर करने की कोशिश इस सेंस में नहीं की कि कहीं अगर ये जिन ज़्यादा उससे दूर हो गया तो वो मखलूक फिर इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी जो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और नुकसान देती है। एक दिन जवेरिया कहती है कि काफ़ी दिन गुजर गए थे, वो जिन ज़्यादा मेरे करीब नहीं आया था, तभी जगह जगह छत पर सोए हुए मेरे इर्द गिर्द बहुत काला धुआं इकट्ठा हो गया। जैसे ही काला धुआँ हटा तो उधर एक खौफनाक औरत खड़ी थी, यूँ मानो कि बदसूरती की कोई पैकर थी वो, और उसका हुलिया देखने में लग रहा था कि वो जैसे चुड़ैलों की सरगना हो। उसके सर के ऊपर एक अजीबोगरीब खोपड़ी का ताज बना हुआ था। वो मुझे ये कहने लगी कि जब तू पैदा हुई थी तो तेरी माँ के पास एक औरत आई थी जो कि काफ़ी मरीज़ थी, मैं उसके ऊपर आशिक थी। जब तू इस दुनिया में आई, मैंने तुझे देखा तो मैं तेरे ऊपर आशिक हो गई और तभी उस औरत को छोड़ दिया। मैं तो बचपन से तेरे पीछे हूँ, मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, और जो जिन ज़्यादा तेरी ज़िंदगी में आया है मैं उसको भी तेरी ज़िंदगी में नहीं रहने दूँगी। तू ये जानती नहीं है कि वो जिन ज़्यादा भी एक बड़े सरदार का बेटा है और मैं भी चुड़ैलों की सरदार हूँ, हमारा मुकाबला खूब होगा, बिलाखिर उस जिन ज़्यादे को हारना होगा। जवेरिया ने यह बात सुनी और चीखना शुरू कर दिया और तभी वो औरत गायब हो गई। मनाल कहती हैं कि यह बिल्कुल सच्चा वाक़या है, उसने घर आकर नीचे आकर ये बात सबको बताई और कहा कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। उसके वालदैन दोबारा बहुत परेशान हो गए और अब वो ये समझ रहे थे कि शायद वो मखलूक हमारी बेटी को कहीं जान से ना मार दे। बिलाखिर वो फिर किसी अल्लाह वाले के पास लेकर गए। ठट्ठा में एक आमिल का पता लगा, उसके पास ले जाया गया और जैसे उधर ले जाया गया तो जवेरिया बेहोश हो गई, वो मखलूक उसके ऊपर हावी हो गई ताकि जवेरिया अपने मुँह से कुछ बता ना सके। जब उधर जवेरिया को ले जाया गया तो पता लगा कि वो जो जिन ज़्यादा था वो उस चुड़ैल की कैद में था। चुड़ैल बहुत ताकतवर थी, वो जिन ज़्यादा मुसलमान था, लेकिन चुड़ैल ने उसको कैद कर लिया है।
अब किसी तरीके से ही हम उसको इस चुड़ैल के कब्ज़े से आज़ाद करवा सकते हैं, और ये काम जवेरिया कर सकती है। जवेरिया को ये करना होगा कि जब वो चुड़ैल इसके सामने आए तो किसी तरीके से उसके सर से उस ताज को उतार दे। अगर वो ताज उसके सर से उतर गया तो वो हमारी कैद में आ जाएगी, और जिन ज़्यादा उसकी कैद से आज़ाद हो जाएगा। अब ये काम तो बहुत मुश्किल था। जवेरिया होश में आई, सारी बात उसको समझाई गई, और समझाने के बाद कहा कि अब तुम अगर इस काम को कर सकती हो तो करो, क्योंकि कोई भी आमिल ये काम नहीं कर सकता था। वो इंतहाई पुरसरार, वहशतनाक और ताकत से भरी हुई चुड़ैल थी। हाँ, वो जवेरिया से बहुत प्यार भी करती थी और उसके करीब किसी को आने भी नहीं देती थी। जवेरिया ने बड़ी चालाकी से एक दिन उस चुड़ैल को आवाज़ दी और कहा कि अगर तुम मेरे इर्द गिर्द हो तो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे ही करूँगी। इतने में वो खौफनाक चुड़ैल जवेरिया के पास हाजिर हो गई और जवेरिया उससे बातें करने लगी। जवेरिया ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ तो कैसा रहेगा। वो काफ़ी खुश हुई और उसने जवेरिया से कहा कि ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। जवेरिया ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ तो तुम अपने सर का ताज मेरे सर पे पहना दो। वो चुड़ैल, हमेशा आमिलीन भी ये कहते हैं कि जिन्नात के दिमाग बहुत छोटे होते हैं, बेशक ताकत ज़्यादा होती है लेकिन उनके दिमाग बहुत छोटे होते हैं। उस चुड़ैल ने वो ताज जवेरिया के सर पर डाल दिया, और आमिल की कही हुई बात थी कि तुमने इस ताज को फौरन उठाकर ज़मीन पर फेंक देना है, अगर ये टूट गया तो वो जिन ज़्यादा आज़ाद हो जाएगा। जवेरिया ने इसी तरह किया, और इस तरह करने से वो जिन ज़्यादा आज़ाद हो गया। लेकिन जवेरिया की ज़िंदगी और बदतर हो गई। वो चुड़ैल जवेरिया को अब जान से मारना चाहती थी, और उसी टाइम वो वहाँ से गायब हो गई। जिन ज़्यादा तो आज़ाद हो गया, अब जिन ज़्यादा दोबारा जवेरिया के पास आया और उसको ये कहने लगा कि तुमने आज के बाद छत पर बिल्कुल नहीं बैठा करना, ये खुला आसमान है, बहुत सी मखलूकात होती हैं जो कि पीछे लग जाती हैं। जिन ज़्यादा ने अपने सरदार बाप से एक कलाम ला कर दी उसको और कहा कि इसको अपने कमरे में लटका लो, और वो मखलूक तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकेगी। जवेरिया ने ऐसे ही किया। अब जिन ज़्यादा और उस चुड़ैल के दरमियान मुकाबला था। वो जवेरिया को किसी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। वो जवेरिया को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाना चाहती थी जहाँ पर वो खुद रहती थी। वो कहते हैं कि उस जिन ज़्यादा का बाकायदा तौर पर उस चुड़ैल के साथ मुकाबला हुआ, और आखिर ये हुआ कि वो जिन ज़्यादा मर गया जवेरिया को बचाते बचाते, और उसने उस चुड़ैल को भी मार दिया। जवेरिया उस जिन ज़्यादा के इश्क में लगातार कुछ अरसा बीमार रही, इस कदर बीमार रही कि उसको खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। देखते देखते जवेरिया एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, और उसके बाद अचानक उसकी डेथ हो गई। जवेरिया उस लड़के के उस जिन ज़्यादे के इश्क में इतनी गिरफ्तार थी कि उसके अलावा एक दिन ना काट सकी और इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गई। मनाल कहती हैं ये बिल्कुल असल कहानी है। कराची में ऐसे, और कराची के अलावा भी बहुत से शहरों में ऐसे बहुत से वाकयात लोगों के साथ पेश आते हैं। उनकी सच्ची मोहब्बत थी, जवेरिया उस जिन ज़्यादे से शादी करना चाहती थी, और अनकरीब उनकी शादी भी हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि उसकी शादी जिन ज़्यादे से होती। ऐसी खबीस बदरूहें अगर किसी के ऊपर आशिक हो जाएं, उसके पीछे पड़ जाएं, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। आप लोग भी हमेशा केयरफुली रहा करें। जब भी आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो तो बिल्कुल भी ख़वातीन और होने वाला बच्चा और वो औरत जिसके यहाँ वो बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल भी गैर औरतों से, इवन के अपने रिलेटिव से भी गले मत मिलें। 40 दिन पूरे परहेज़ करें। और ये चीज़ मनाल कहती हैं कि आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनसे परहेज़ करें, उनको अपने बच्चों के ऊपर और उस औरत के ऊपर मत आने दें। 40 दिन के बाद अपने बच्चे के गले में और अपने गले में भी हफाजती कुरान पाक की आयात का मजमुआ बनाकर एक तावीज़ डालें, तो फिर आप किसी से मिलें। और एक चीज़ मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी से ज़्यादा गले मत मिला करें, अननोन पर्सन से भी, औरतों से, लड़कियों से, इसलिए कि हमें नहीं पता था बहुत से लोगों के ऊपर बहुत से असरात होते हैं। तो कोशिश करें कि गले मत मिला करें, सलाम लिया करें, और गले मिलने से हमें नहीं पता लगता कैसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे तक आ जाती हैं, रसाई पा लेती हैं। कल एक और खौफनाक वाक़या शेयर करूँगी, एक और कहानी जो कि बिल्कुल सच पे मबनी कहानी है, एक औरत की ज़िंदगी की, जो कि एक औरत के गले लगी थी। उस औरत ने अपनी सारी मुसीबतें, चुड़ैलें, आफात उस औरत तक पहुँचा दी। कल की कहानी बहुत स्पेशल होगी, आप लोग हॉरर नॉवल ऑफिशियल पे ज़रूर सुनिएगा।
ये थी आज की खौफनाक कहानी लिसनर्स। आप लोगों को कैसी लगी इस कहानी से, क्या सबक हासिल किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वालदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, अपने बच्चों को वालदैन की मोहब्बत और इज़्ज़त सिखाएं। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। कुरान पाक और नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हर किसी की हर मुसीबत को दूर करे। अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।